सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा थर्ड से हॉस्टल शुरू, कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की नौवीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, 9952711118929551111। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। घुका वाले गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे नरमा की फसल की मैं स्थिति आपको दिखाना चाहूँगा। देखिएगा, वैसे देखने में जो है वो ऊपर से नरमा जो है वो हरा भरा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बीच बीच में जो है वो इस यहाँ पे नरमा जो है वो ख़राब होना शुरू हो चुका है। अब ऐसे में कोई भी पौधे पे मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि आपको जूम करके थोड़ा दिखाए कि नरमा जो है वो हरे रंग की बजाय काला रंग होना जो है वो शुरू हो चुका है, यानी कि शार्ट मारना जिसको बोलते हैं, वो शार्ट मारने की बीमारी या शार्ट मारने पे ये नरमा जो है वो लगातार अग्रसर हो चुका है। अब ऐसे में पूरा इलाका जो है वो यहाँ पे गुलाबी सुंडी से तो ग्रसित है ही है, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो शार्ट मारने के उस चंगुल में भी जो है ये नरमा फंसता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे नरमा की अगर पैदावार की बात करें तो जो है वो देखिएगा, कुछ एक पौधे जो हैं नरमा के जिसमें जो है वो नरमा खिला हुआ है और बाकी जो है वो नरमा जो है वो लगातार टिंडे जो है वो गलने शुरू हो गए हैं और टिंडों के अंदर सुंडी की बात करें तो सुंडी की मात्रा भी जो है वो बेशुमार दिखाई दे रही है। एक किसान है मेरे साथ यहाँ पे मौजूद, इनसे बातचीत करें। उससे पहले मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे किसान ने जो है वो ग्वार की फसल जो है बीजी हुई थी, ग्वार भी इस बार जो है वो साथ नहीं दिया ग्वार की फसल ने भी, और किसान को खड़ी ग्वार की फसल पर ट्रैक्टर चलाना पड़ा ये सोच करके कि अगली फसल में शायद इस ग्वार की जो है वो खाद लग जाएगी और अगली फसल जो है वो कुछ सही उत्पादन जो है वो दे देगी। अब ऐसे में किसान से बातचीत करते हैं, घुका वाली से है। सर, आपके गांव में जो है वो कितनी बीमारी जो है वो नरमा ने चपेट में ले रहा? तकरीबन जी 80% ले रहा। 80% मतलब बीमारी सुंडी तो है ही जी, या शांट और मार रहा। ये शांट मारने वाली कितनी की बीमारी? ये भी जी हम चालू हो गए जी, उधर भी देखो सारे चालू हो गए, 10-15 दिन खत्म हो जाएगी। पैदावार किन्नी को आई जाती है? चुके है कुछ पैदा? 3-4 मन किले का निकलता है जी। अच्छा। तो वो भी फुट चीड़ा है, चोने चुक दे नहीं। अच्छा। 3-4 मन मतलब कि साफ नहीं निकलता? साफ नहीं जी, वह भाव का भी फर्क रहूगा जी। आम जी 7,000 बिकता था जी, 6,000 ही बिकूगा। नरमा चुकने से भी क्वालिटी माड़ी है। अच्छा, सुंडी का किन्ना प्रभाव है थे आसे पासे नरमे जड़े साफ विकी आते हैं जी? 70-75% सुंडी है जी। ये 10 टिंडे तोड़ोगे तो जो 2-3 सही निकलते हैं। हाँ। बाकी सुंडी निकलती है। अच्छा। सुंडी वाले नरमे जड़े है वो केड़ी साइड ते ज्यादा प्रभाव है? सारे पिंड से जी? कोई दौगी है, कोई किसी ऐसे साइड ते ज्यादा है जी, कुछ था घट है जी, कुछ था ज्यादा है। मतलब 70% सुंडी दे चपेट चे नरमा। अच्छा। 30% कोई एरिया हैगा है जी जिथे सुंडी घट है जी। ते शॉट मारने वाले जड़ी आ सारे नरमे खड़े है ना च भी? हां जी, ये चालू हो गई जी, ये हरेक नरमे चालू हो गई जी शॉट मारने जी। जो मान लो किसी थोड़ी है, किसी हूँ वही जाती है जी, 10 दिन सारा नरमा ही हो जाए, सारा जी। अच्छा, सारा नरमा खत्म हो जाए, शांट मार जो सारे में। तो ये देखिएगा तस्वीरें, ये नज़दीक से मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा इस तरह से जो है वो ये नरमा की फसल जो है वो लगातार ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। अभी मैं गुजारिश करूँगा कैमरा सहयोगी से कि दूसरी तरफ आपको जो है वो एक बार दिखाए, इस तरफ की जो है वो यहाँ दिखा है। ये देखिएगा लगातार जो है वो नरमा, हालांकि कहा जाता है कि ज़्यादा नरमा संगना नहीं होता, यानी कि कुछ दूरी होती है तो वो नरमा जो है वो ठीक होता है, लेकिन यहाँ पे दूरी भी है और नरमा भी जो है वो लगातार ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिएगा लगातार जो है वो तस्वीरें, ये टिंडे जो है वो उसके निकल रहे हैं, इस तरह से टिंडे जो है वो निकल रहे हैं और जो नरमा खिलता है वो भी इस तरह से खिलता है। ये देखिएगा वैसे खिलता है नरमा, यानी कि कुल मिलाकर के किसान पे किसी भी गांव में चले जाइएगा, किसी भी गांव में जाओगे तो उस गांव में किसान जो है वो लगातार परेशान और निराश और हताश जो है वो ज़रूर दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में सरकार से लगातार किसान मांग कर रहे हैं कि बीमा मुआवजा इनको शौक नहीं है मांगने का, उचित बीज,
उच्च क्वालिटी के बीज और उच्च क्वालिटी के पेस्टिसाइड जो है वो अवेलेबल करवा दें, ताकि किसानों की फसल जो है वो बम्पर हो, पैदावार बम्पर हो, और जो है वो इनको बीमे पे या मुआवजा पे जो है वो निर्भर ना रहना पड़े। केवल जमींदार के किसान के नरमा की फसल नहीं होती तो केवल एक किसान ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि वो लेबर भी, जो लेबर कास्ट लोग हैं वो भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि इस नरमा में आ करके अगर यहाँ पे बम्पर पैदावार होगी तो एक जो लेबर, एक व्यक्ति जो है या महिला जो है वो 50 से 60 किलो तक नरमा जो है वो चुगाई कर देती है। उसको जो है जितना मिलना चाहिए वो अगर इसी नरमा में आकर के जब नरमा की चुगाई करेगी तो वो जो है वो 10-15 किलो मैक्सिमम जो है वो चुगाई करेगी। अब एक तो 60 किलो चुगने वाली महिला 15 किलो नरमा चुगती है तो उसको कितनी दिहाड़ी जो है वो उसके हिस्से में आएगी वो जो है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कि किसान की अगर फसल खराब होती है तो केवल एक किसान ही नहीं बल्कि लेबर भी प्रभावित होती है, और इसके साथ साथ तमाम जो बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं या कोई और हैं, वो भी जो है वो इससे प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल एक किसान है या एक घर है या एक परिवार है वही जो है वो परेशान होगा, वही जो है वो प्रभावित होगा, बल्कि पूरे गाँव की अगर फसल खराब होती है तो पूरे गाँव का किसान प्रभावित होता है, उसके साथ साथ आसपास के गाँव की लेबर प्रभावित होती है, उसके साथ साथ आसपास के जितने भी बाजार हैं, जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, जो मिल संचालक हैं, वो भी जो है वो प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि उचित बीज और उचित पेस्टिसाइड जो है वो उच्च क्वालिटी के अवेलेबल करवाने चाहिए, ताकि तमाम जो प्रभावित लोग हैं उन पे ये जो है वो नेगेटिव प्रभाव ना पड़े, और वो भी जो है वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी कर सकें और अच्छे जो है वो उनको दिहाड़ी जो है वो मिल सके। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के, इस विचार को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा साहब बिट्टू मैल के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।